फोर टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट प्रॉस्पेक्टस भी ना चार टाइप का होता है सबसे पहले डीम्ड प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर होता है इसका 25 फिर आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31 फिर होता है रेड हेयर रिंग प्रोस्पेक्टस और फिर होता है अब्रिज प्रोस्पेक्टस। सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। यू शुड ऑल नो द नेम्स अब ये रट्टा मारना चालू अब ये हार्ड टेक्निकल में आ ये एकदम रट्टा मारने वाला ज्ञान है एकदम कि चार टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं सर लाइन्स है एकदम डीम्ड शेल्फ रेड हेरिंग अब्रिज ओके सेक्शन नंबर पहले वाले का पच्चीस है बाद बाकी तो लाइनस है थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री ओके मैं इसको याद करने के लिए ऐसे याद करता हूं मैं बोलता हूं एक वर्ड दूसरा अब ये याद करने के लिए है ठीक है दूसरा ठीक है तो डी दी से डीम्ड एस से शेल्फ आर से रेडरिंग ए से अब्रिज तो मैं दूसरा बोल के ऐसे याद रखता हूँ लाइन से तो उससे को सेक्शन नंबर याद आ जाता है चार टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट दूसरा डी दी से डीम्ड एस से शेल्फ आर से रेड एरिंग ए से अब्रिज इसका खाली 25 है बाकी का 31, 32, 33 टू लाइन से सेक्शन नंबर ठीक है फोर टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस ठीक है डीम्ड प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस मतलब डीम्ड प्रोस्पेक्टस अभी लिख रहा हूं लिखो मेरे साथ साथ नाचोस एनी नोटिस एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने वाला ऐसी बंद कर दो सर्क्यूलर अदर डॉक्यूमेंट ठीक है एनी नोटिस एडवर्टाइजमेंट सर्कुलर अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर योर सिक्योरिटीज इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस तो कंपनी कोई भी नोटिस कागज का कोई भी टुकड़ा अगर बांट दे जिसमें इनवाइट किया जा रहा है जनता को कि आइए सिक्योरिटीज खरीदिए तो उस कागज को ही हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे ठीक है तो उन्होंने बोला कुछ भी कोई नोटिस को एड्रेस को सब कुछ भी बांटा जाए इनवाइटिंग पब्लिक दैट्स डीम्ड प्रोस्पेक्टस ये हो गया डीम्ड प्रोस्पेक्टस ठीक है एक प्रोस्पेक्टस की अवधि होती है नाइन्टी डेज नाइन्टी डेज के अंदर प्रोस्पेक्टस एक्सपायर कर जाता है दवाइयाँ आती तुम्हारे घर में दवाइयों का एक्सपायरी डेट होता है प्रॉस्पेक्टस का भी एक्सपायरी डेट होता है 90 डेज 90 डेज में एक प्रोस्पेक्टस एक्सपायर कर जाता है अगर उसके बाद कंपनी को पब्लिक इशू करना है तो फिर से नया प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा जैसे सोचो अप्रैल में कंपनी ने अप्रैल महीने में कंपनी ने पब्लिक इशू लाया था तो उसके लिए प्रॉस्पेक्टस बनाया था कंपनी ने वो प्रॉस्पेक्टस फर्स्ट अप्रैल को बनाया था तो फर्स्ट अप्रैल का जो प्रॉस्पेक्टस है वो नब्बे दिन के लिए वैलिड होता है यानी कि अप्रैल मई जून फर्स्ट तीस जून को वो एक्सपायर कर जाएगा तो अब अगर तीस जून के बाद कंपनी को वापस से पब्लिक इशू करना है तो कंपनी को फिर से नया प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा ठीक है लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिन लोगों को एक ही साल में बार 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 पब्लिक इशू करना पड़ता है तो इन लोगों के लिए सरकार ने एक नए तरह का प्रॉस्पेक्ट्स बनाया जिसे कहते हैं प्रोस्पेक्टर्स। शेल्फ प्रोस्पेक्ट्स शेल्फ प्रोस्पेक्टस का शेल्फ लाइफ लंबा होता है इसका एक्सपायरी डेट एक साल होता है शेल्फ लाइफ इक्वल टू वन ईयर शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि कितने दिन के लिए वो वैलिड है शेल्फ लाइफ खाने के सामानों में अपने बोलते हैं ना जैसे लेट बी वन गिव यून एग्जाम्पल तुम अगर घर घर में चिप्स का पैकेट लेके हो, तुमने सपोज एक बड़ा वाला लेस का चिप्स का पैकेट लाए हो उस चिप्स के पैकेट के पीछे देखना लिखा रहता है बेस्ट बिफोर फोर मंथस ऑफ मैनुफैक्चरिंग तो चार महीने में वो खराब हो जाएगा चार महीने बाद खराब हो जाएगा चिप्स ठीक है चार महीने को बोलते हैं शेल्फ़ लाइफ कोई भी बिस्कुट भी घर में लाए हो कुछ भी सामान लाए हो खाने का तो उसमें एक होता है बेस्ट बिफोर इतना तो उसको बोलते हैं शेल्फ लाइफ कि इतने दिन तक आप रख सकते हो अपने आप अपने शेल्फ पे रख सकते हो इतना दिन तक रखे उसके बाद खराब हो जाएगा तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस का शेल्फ लाइफ कितना होता है एक साल होता है नॉर्मल का नब्बे दिन होता है इसका एक साल होता है सिंस इट हैज गॉट अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ दैट्स वाई द नेम शेल्फ प्रोस्पेक्टस ये आ, हर कंपनी में नहीं होता ठीक है ये सेलेक्टेड बड़े कंपनीज जब इशू करते हैं जिनको बार बार करना पड़ता है बेसिकली बैंक्स बैंक एक अलग ही चीज़ है यार बैंक जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है बैंक वैसे ही एक साल के अंदर काफ़ी बार डिवेंचर इशू करता है मतलब बैंक वाले भी डिवेंचर इशू करते हैं बैंक जो डिवेंचर इशू करता है उसको बॉन्ड्स बोलते हैं तो बैंक्स को ना एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर बार 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 मार्केट में बॉन्ड्स इशू करना पड़ता है तो वो लोग तो बेचारे बार बार प्रोस्पेक्ट बनाते बनाते मर जाएंगे तो उन्हीं के लिए आया है शेल्फ प्रोस्पेक्ट ठीक है लॉन्गर शेल्फ लाइफ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस रेड हेयरिंग वर्ड का मतलब होता है इनकंप्लीट रेड हेयरिंग वर्ड का मतलब होता है इनकम्प्लीट ठीक है ये बहुत फेमस है इसको आर भी बोला जाता है इनफैक्ट गूगल में जब सर्च मारोगे प्रॉस्पेक्टस तो मैक्सिमम कंपनियों का जो प्रोस्पेक्टस है वो यही वाला है आर एच पी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है सर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब रेड हेरिंग मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन यानी प्रोस्पेक्टस में शेयर का प्राइस क्या रहेगा वो नहीं लिखा रहता रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट उस पर शेयर्स का जो प्राइस है कि इशू प्राइस कितना है ढाई सौ रुपया तीन सौ रुपया चार सौ रुपया वो नहीं लिखा रहता ब उसके बजाय एक प्राइस बैंड रहता है प्राइस बैंड मतलब हमारा शेयर्स का भाव तीन सौ से साढ़े तीन सौ के बीच में रहेगा फिर वो इन्वेस्टर लोग बोली लगा के भाव निकलेगा कि एग्जैक्ट कितना भाव रहेगा तो सिंस यू डोंट पुट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ओवर है इट्स कॉल्ड रेड हेरिंग ठीक है रेड हेरिंग मीनस इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वाला प्रोस्पेक्टस ओके okay? और पढ़ेंगे डिटेल में ये सर कहाँ यूज होता है बुक बिल्डिंग में वो बुक बिल्डिंग अभी जस्ट बताया था ना प्राइस डिस्कवरी तो आज जितनी भी कंपनियां प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं सब बुक बिल्डिंग करती हैं प्राइस डिस्कवरी तो वहां पे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू होता है सो रेड हेरिंग of इज building इन द केस ऑफ बुक बिल्डिंग abridged द कंपनी is अब्रिज simple word अब्रिज का मतलब होता है शॉर्ट वर्जन तुम लोगों ने abridged novel पढ़ा होगा जैसे हैरी पॉटर का अगर तुम कोई भी बुक ओरिजिनल देखोगे तो इतना मोटा मोटा बुक है ठीक है पर हैरी पॉटर का ही छोटा बुक्स भी मिलता है एकदम पतला पतला फोटोज के साथ छोटा फॉर चिल्ड्रन तो वो उसको बोलते हैं अब्रिज्ड अब्रिज मतलब शॉर्ट वर्जन इसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन रहता है लिमिटेड इंफॉर्मेशन और ये कंपनी बांटती है ये कितने पेज का होता है सर पंद्रह बीस पेज का होता है तो ये प्रिंट में हार्ड कॉपी बांटता है बहुत अब्रिज प्रोस्पेक्टस ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस तो 500 पेज का तो बहुत महंगा है हार्ड कॉपी बांटना है अब्रिज इज पंद्रह बीस पेज तो वो कंपनी प्रिंट करके बांटती है अब्रिज इज अ शॉर्ट वर्जन ऑफ प्रोस्पेक्टस जिसमें खाली लिमिटेड इंफॉर्मेशन रहेगा ओके सो ये देखो एकदम कितना टेक्निकल ज्ञान है चार सेक्शंस हैं ट्वेंटी फाइव थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री लाइन्स है याद करने के लिए दूसरा डीम्ड शेल्फ रेड एरिंग अब्रिज डीम्ड प्रोस्पेक्टस मतलब एनी नाचोस नोटिस एडवर्टाइजमेंट सर्कुलर अदर डॉक्यूमेंट डॉमेंट सर्कुलर द कंपनी इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज इज डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज गॉट अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ ऑफ वन ईयर कंपेयर टू अर नॉर्मल प्रोस्पेक्टस विच एज जस्ट अ लाइफ ऑफ नाइंटी डेज Red herring prospectus is a prospectus which complete, contains incomplete information about price. It contains a price band. Red herring prospectus is issued when the company discovers price by book, by book building. Last abridged prospectus is a shorter version of prospectus which is circulated in hard copy to the investors. Okay. Yoga yeah, Sir, charters for investors. Now.